हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिस वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ सीएस सोल ऑइंटमेंट के बारे में, जो कि 20 ग्राम का है और जिसकी मेन कंपोजिशन है क्लोबिटासोल, प्रोपायोनेट, सैलिसाइलिक एसिड, जिंक, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। और ये एक तरीके का ऑइंटमेंट है जो कि एक्जिमा और सोराइसिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली सी एस सोल की कंपोजिशन वाले जो ब्रांड हैं उन्हीं को प्रेस्क्राइब करते हैं एक्जिमा और सोराइसिस में। तो इसका एक अल्टरनेट ब्रांड भी है लाइक लॉजीवेट MF ऑइंटमेंट करके आता है, वो भी सेम ही कंडीशन को ट्रीट करता है। और इनकी जो कंपोजिशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोबिटासोल है, सैलिसाइलिक है, लैक्टिक एसिड है, जिंक है, यूरिया है। और जो इसकी कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ है। और अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो मैंने आपको इसकी कंपोजिशन बता दिया, कॉम्बिनेशन बता दी कि यह किन किन दवाइयों से तैयार की गई है। और जो इसका यूज़ है वो एक्जिमा एंड सोराइसिस में किया जाता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्जिमा और सोराइसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक्जिमा और सोराइसिस किन कंडीशंस को बोलते हैं, क्या होता है इसमें, क्या सिम्टम्स आते हैं स्किन पर, तो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो एंड तक देखना और आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी डोज होगी और ड्यूरेशन होगी वो आपके डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे, ठीक है। और इसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करने हैं। और हमेशा इसको यूज़ करने से पहले इसका लेबल चेक कर लें, इसकी डायरेक्शन चेक कर लें, क्या इसकी मैन्युफैक्चर डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है। और उसके बाद इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक इरिटेशन, स्किन जलने लगती है, स्किन में इचिंग भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, लालीपन भी आ सकता है इसको यूज़ करने के बाद। और अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है या किसी पर्सन को कोई भी सीरियस बीमारी है तो अपने जो डॉक्टर हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनकी बिना सलाह के इस ऑइंटमेंट को इस्तेमाल ना करें। और जो ब्रेस्ट फीडर्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो वीमेन हैं, वो भी इसका इस्तेमाल बहुत सेफ्टी के साथ करें, ठीक है। तो इसको जो है एक्जिमा और सोराइसिस में इस्तेमाल किया जाता है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जिमा और सोराइसिस में क्या डिफरेंस है। एक्जिमा एक स्किन की कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन पर पैचेस हो जाते हैं, स्किन स्वेल कर जाती है, ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसमें खुजली होती है, बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है, ठीक है, ड्राइनेस आ जाती है और रेडनेस हो जाती है। तो ये क्या करता है ऑइंटमेंट, ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है और जो ड्राइनेस, जो रूखापन होता है, बहुत ज़्यादा स्केली पैची और इचीनेस जो होती है वो उसको ख़त्म कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ऑइंटमेंट है वो स्वेलिंग को, रेडनेस को और जितना भी अफेक्टेड एरिया है उसको रिड्यूस कर देता है और बहुत ना के बराबर सिम्टम्स को छोड़ता है, ठीक है। कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं 2-5%, 10%, वो आपको थोड़ा सा और डोज बढ़ानी पड़ जाती है कभी कभार, तो वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। मोस्टली जो ये इसमें जो इम्प्रूवमेंट देखी गई है वो 2-3 वीक्स में देखी गई है, ठीक है। अब सो गाइस, ये सोल ऑइंटमेंट बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट है सोराइसिस और एक्जिमा के ट्रीटमेंट में। सो थैंक यू गाइस, टिल देन टेक।